सो so, सोहेगा hey लास्ट एपिसोड में अपने लिए भाई ये बढ़िया वाले अल्फा इटरनल स्पाइनों को टेम किया था जो भाई कत्ते खतरनाक वाला क्योंकि इसका कलर और जो भाई कॉम्बो है ना कत्ते खतरनाक वाला दिख रहा है और एक्चुअली भाई हमने इसको टेम किया था और उसके बाद हम मैं बोल रहा था कि इसको इवोल्व करेंगे और इवोल्यूशन के लिए भाई कुछ आता है जो भाई मेरे पास ऑलरेडी क्राफ्टेड था उसी वजह से भाई मैंने बोला था कि हम इसको इवोल्व करेंगे तो भाई इसका आई थिंक सो भाई ये जो इवोल्यूशन पोशन है इसका यूज़ करके इवोल्व करने वाले थे बट जब भी भाई हम वीडियो स्टार्ट करने वाले थे उससे पहले भाई मैंने ट्राई की इसका इवोल्यूशन करने की बट हो नहीं रहा तो भाई वो पता नहीं भाई क्या चीज है कुछ समझ में नहीं आ रहा है पोशन तो भाई ये वर्ल्ड नहीं होता और वो भाई थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ है क्योंकि भाई मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था कि भाई नेक्स्ट एपिसोड में इसको इवोल्व करके ट्राई करेंगे बट इवोल्व होने का नाम नहीं ले रहा तो भाई मैं क्या ही करूँ और इवोल्यूशन पोषण का क्या करना है वो तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है तो काफ़ी चीज़ें जो भाई मुझे समझ में नहीं आ रही इसमें बट कोई नहीं क्या ही कर सकते हैं तो भाई हमने लास्ट एपिसोड में इसको टेम किया था जो भाई कत ही खतरनाक वाला था और एक्चुअली भाई इसका डैमेज भी ज़्यादा ही था इतना कम नहीं था कि भाई मैं इसको चला ना सकूँ और एक्चुअली भाई डरावनी सी भाई खतरनाक वाली साउंड भी निकालता है और एक्चुअली भाई ये कौन सा वाला है ये कुछ मुझे नया वाला 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 लग रहा है है या फायर वाला है? ओके फायर ओके मुझे लगा क्योंकि भाई भाई मेरे पास एक फायर वाला उसी वजह से मे बी पानी में इसको ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा मे बी चलो भाई कुछ भी नहीं हुआ और एक्चुअली भाई इसकी स्पीड पानी में काफी ज्यादा है उसी वजह से भाई मैं पानी में इसको लेके आया मैंने लास्ट एपिसोड में इसको ट्राई नहीं किया था बट अभी भाई देख लो भाई कत खतरनाक वाली स्पीड है एक्चुअली इसकी और एक्चुअली भाई कितना अबे नहीं यार मैं बंद करके बैठा हूँ हंड्रेड के भाई मिली डेमेज पड़ रहा है जो अच्छी चीज़ है और एक्चुअली भाई बाइट अटैक भी काफ़ी स्पीड से कर रहा है तो भाई रैपिड फायर है अपना तो काफ़ी बढ़िया डाइनो है एक्चुअली तो इसको चलाने में भी मज़ा आता है क्योंकि भाई ये बंदा ज़्यादा स्पीड से चलता है उसी वजह से और एक्चुअली भाई Uh, एक बंदे ने कमेंट किया था जो ये फिज फिजी पांडा है फिज पांडा उसको टेम करने के लिए बोला था एक बंदे ने तो भाई मैं सोच रहा हूँ इसको टेम करने का और उसके बाद भाई फिर से भाई कोई बंदे ने बोला है कि आई थिंक सो लिप कुछ बोला है पता नहीं डेजर्ट में कोई डायनो आता है जो भाई अपना टिटोनोबा है उसकी तरह दिखता है और एक्चुअली भाई उस वाले डायनो पे टोर पर ज़्यादा होता है मतलब वो वाला बंदा आ, कोई भी बंदे को टोर पर चढ़ा सकता है उसी वजह से आज हम पहले तो भाई उसको टेम करने जाने वाले क्योंकि भाई उस बंदे ने बोला है मुझे कि भाई कोई भी मतलब प्राइम वाला अगर बंदा हो ना तो उसका भी वो टोर पर इंक्रीज कर सकता है उसी वजह से भाई मैं उसको टेम करने जाने वाला हूँ क्योंकि भाई मुझे अभी टोर पर इंक्रीज करने के लिए कोई बढ़िया वाला डाइनो चाहिए था जो भाई वो बंदा बोल रहा है वो अगर सच हो गया जो भाई वो मैं टेम करने जाने वाला हूँ वो अगर टोर पर ज़्यादा इंक्रीज़ करता है तो भाई मज़ा आ जाएगा क्योंकि भाई मुझे वही चाहिए कि भाई टोर पर बढ़ा दे एक ही बार में और मुझे भाई एरो वेरो भाई दूसरा कोई चीज़ यूज़ ना करना पड़े क्योंकि आपको पता है भाई उसको यूज़ करने में थोड़ा सा भाई टाइम लगता है और एक्चुअली भाई मैं इसमें से जो लेगिंग से इसकी स्किन निकाल देता हूँ क्योंकि आपको पता ही है भाई मैंने लास्ट टाइम भाई इसको किया था यूज़ किया था उसी वजह से और अभी भाई इसका स्किन भाई मैं इधर चढ़ा देता हूँ क्योंकि भाई मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आर्मर वो सब है ना उसी वजह से तो अभी भाई मेरे पास सब कुछ है मैं भी भाई सब कुछ होगा मैं देख लेता हूँ एक बार ओके अपने, अपने पास सब कुछ है चलो भाई मुझे मीट ही देखना था क्योंकि भाई मुझे याद नहीं था कि मीट मेरे पास है या नहीं है तो ऑलरेडी भाई मैंने डेजर्ट पे लगा के रखा था काफ़ी दिनों से तो उधर ही डायरेक्ट ही टेलीपोर्ट मारते हैं पहले तो और उधर देखते हैं और फिजी पांडा जो अपना फिज पांडा है जो अभी गीगा को हरा के बैठा है उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में टेम करेंगे और पता नहीं भाई इंटरनल जो बेरी है प्राइम वाली मे बी भाई उसका कोई यूज़ नहीं होगा और नॉर्मल बेरी से भी मे भी हो जा सकता है ऐसा कोई सीन है तो जो भी है तो भाई जो ए वाला बंदा है लाफ उसको भाई टेम करने के लिए बोल रहा है क्योंकि भाई वो बोल रहा है कि भाई इससे भाई कोई भी बंदे का टोर पर भाई मैं बढ़ा सकता हूँ मतलब ये प्राइम वाला अगर है ना मेंटिस उसका भी टोर पर हम इससे इंक्रीज कर सकते हैं तो भाई इसको नोक करके भाई मुझे टेम करना है बिग ग्रीन स्नेक डिमो अभी क्या था डोमिनस टायर कैन ओनली बी नोकड आउट बाई प्राइमल ट्रेंक और प्राइम पॉइजन पाइक और प्राइम पॉइजन डायनोज एंड अबो तो भाई ये बंदा भाई सिर्फ जो प्राइम वाला ट्रेंक है और वो सब है उससे ही भाई अनकॉन्शियस होता है या भाई हम अपना पाइक का भी यूज़ कर सकते हैं अगर भाई मेरे पास प्राइम वाला होता तो तो वो सब नहीं है तो हम प्राइम प्राइम वाला जो ट्रेंक है रोजे उसका ही यूज़ करने वाला है इसको अनकॉन्शियस करने के लिए और एक्चुअली भाई इससे थोड़ा सा हाई लेवल वाला देखते हैं मे भी भाई इधर मुझे मिल जाएगा ग्रीन स्नैक और एट हंड्रेड एंड सेवन लेवल का इसको भाई करते हैं चलो भाई इसको पहले मार देता हूँ वरना भाई गलती से भाई अगर इसको करने लगूंगा ना तो सीन हो जाएगा क्योंकि भाई मैं उसको टेम करते करते इसको टेम नहीं करना चाहता उसी वजह से चलो भाई अभी जल्दी से भाई इसको अनकॉन्शियस करते हैं वैसे भाई थ्री फोर पॉइंट थ्री है काफ़ी बढ़िया टोर पर है इसका एक्चुअली और एक्चुअली काफ़ी बड़ा है भाई वो टी टूनोवा है ना उससे कतई खतरनाक वाला है क्योंकि भाई टी टी की साइज़ भाई इतनी ज़्यादा नहीं बड़ी होती और एक्चुअली इसकी स्पाइड और इसकी साइज जो अपना स्कॉर्पियन है उसकी साइज देख लो भाई कितना ज्यादा फर्क है एक्चुअली और मुझे ही था थोड़ा सा लेट जाएगा कोई नहीं चलो किधर गया यार एक्चुअली ओके रहा और मुझे एक्चुअली भाई अपना आर्मर निकाल देना चाहिए क्योंकि भाई थोड़ा सा भाई अभी इधर गर्मी टाइप का दिख रहा है और एक्चुअली भाई इसका डैमेज करते ही खतरनाक वाला था मैं जब भी इसे पहले आया था ना देखने के लिए कि आप कौन से वाले डाइनो के बारे में वो बोल रहा था तब भी भाई मैंने देखा था इसको भाई अपने जो ग्रिफिन है उस पर डैमेज करते हुए और एक्चुअली भाई कुछ ग्रीन टाइप का भी कुछ पॉइजन वोइजन छोड़ता है जो भाई कतई ख़तरनाक और एक्चुअली इसकी स्पीड भी ज़्यादा है भाई मैंने सोच ही नहीं थी भाई इतनी ज़्यादा स्पीड होगी एक्चुअली इसकी तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है बस भाई मार के निकल लो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होगा या भाई ज़्यादा नजदीक आए तो भाई फ़्लाई करने लगाओ क्योंकि भाई ये बंदा फ्लाई तो कर नहीं सकता उसी वजह से ओके भाई इसने मार दिया देख लो भाई ये कुछ ग्रीन टाइप का कुछ छोड़ता है ना कत्ते ख़तरनाक वाला दिखता है स्पेशल इफेक्ट लगती है स्पेशली और एक्चुअली भाई इधर ड्रॉप भी है मैंने भाई कभी भी आ, जो अपना रेग्नोरॉख है या भाई कोई भी आता है उसमें काफ़ी जगह पे ड्रॉप फोन होते हैं एक्चुअली भाई मैंने कभी भी ड्रॉप नहीं देखे और कभी भी ड्रॉप लूटे नहीं है उसी वजह से देख लो भाई सेवन थाउजेंड कर रहा है कभी कभी तो काफी बढ़िया डैमेज होता है भाई सेवन थाउजेंड और एक्चुअली भाई कत एक खतरनाक वाला ग्राफिक लग रहा है भाई एक्चुअली इसके मैं जब भी नजदीक आया था कत ही खतरनाक वाली स्किन लग रही थी भाई ब्रो इतने नजदीक से मार रहा हूँ बट फिर भी भाई मुझे पता ही था भाई क्या हो रहा है अब कौन है रे भाई इतना खतरनाक ओके प्राइम वाला डाइनो है मैं भी वही सोच रहा हूँ भाई इतना खतरनाक कौन सा वाला है ये वाला भाई ब्लीडिंग डैमेज नहीं देता जो प्राइम वाले है ना वही भाई बीटिंग दे मारना पड़ेगा मुझे प्राइम वाले को एक्चुअली रुक थोड़ी देर के लिए रुक यार भाई मुझे इसको मारने दे अनकॉन्शियस करने दे बाद में भाई तेरे साथ भाई मैं वसूल करूंगा सब कुछ क्योंकि भाई तेरे को छोड़ने नहीं वाला है ऐसे भाई चलो भाई मैं भी हो जाएगा और अपनी अबे अपनी हेल्थ भाई भाई मेरा ध्यान ही नहीं था अपनी हेल्थ इतनी ज्यादा कम है एक्चुअली तो मैं पहले ही पी लेता ये सब भाई लास्ट टाइम तो मैंने बढ़िया से भाई मारा था इसको फिर भी भाई नहीं लगा अबे जाने दो बिना फालतू का भाई मैं स्पेशल वाला एटेक यूज कर दूंगा और मर भर जाएगा तुम तो लोग यार भाई ये प्राइम वाले को भाई मुझे संभालना पड़ेगा चल आ जा चल मर जा। भाई कतई सुन ही सुनी नहीं रहा था मेरी और एक्चुअली भाई ये बंदा परेशान करेगा सब तो भाई सबको मार के चलते और भाई ये भी मर गया चलो अच्छी चीज़ है कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है मुझे भाई ये वाले आई थिंक सो परेशान कर सकते हैं तो मार ही देते हैं चलो अबे फिर से कैसे फोन हो सकता है यार चलो मर गया चलो अभी इसको भाई जल्दी से भाई खाना खिला देते हैं एक्चुअली अनकॉन्शियस हो गया बट फिर भी भाई जीप निकाल रहा है जो भी है अभी क्या चाहिए था इसको दो ही आ, प्राइम वाले जो है चाहिए अबे दो दे दिए क्या मैंने ओके okay, हो गया पहली बार अजीब मुझे लगा उसी वजह से चलो इसको पैसिव कर देते हैं और स्टॉप कर देते हैं मे भी भाई इसके लिए मुझे सेडल चाहिए होगा चाहिए क्या ओके नहीं भाई ऐसे ही राइड कर सकते हो भाई इसकी स्पीड देख लो हो भाई स्पीड कत खतरनाक वाली है एक्चुअली और इसका भाई 5.7 के है चलो अच्छी चीज़ है और एक कौन सा वाला अल्फा वाला है ना इसको हम फॉलो करा देते हैं और इसकी राइड करते हैं चलो भाई फॉलो हो जाए अपना ग्रिफिन

अबे बाइट अटैक ही नहीं हुआ व्हाट तो मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए भाई इधर से निकल लो भाई कत्ता खतरनाक वाला है प्राइम वाला भाई बंदा और एक चुली भाई अबे भाई क्या चीज है रे मतलब भाई स्पेस दबाने पे जो डायनोस भाई क्या बोलते हैं जंप करते हैं ना उसी तरह से वो ये भी जंप करता है एक्चुअली मर गए यार मारना नहीं था अब नहीं यार ये बंदा भाई मुझे मार नहीं दे रहा है एटेक ही नहीं करने दे रहा तो कैसे भाई मैं इस पर अटैक करूँ भाई इससे भी टोर पर इंक्रीज होता है एक्चुअली भाई मैं निकल लेता हूँ बिना फालतू का भाई मैं पंगे नहीं जाता और ये बंदा भाई पंगे दे रहा है ये मेरे को एक्चुअली भाई इसका थोड़ा सा भाई मिली डैमेज इंक्रीज करके देखते हैं और एक्चुअली स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ओके okay, ऐसे भी इंक्रीज हो रहा है टोर पर और फिर भाई वो अपने जो उससे भी ज्यादा टोर पर इंक्रीज होता है और एक ही बार जो फायर अटैक किया था जो अपने अबे अनकॉन्शियस हो गया भाई अपना अबे सही चीज दिखाई थैंक यू भाई क्या नाम था भाई मैं बोल देता हूँ भाई किसने बताया था भाई मेरे को होता ही खतरनाक वाला डाइनो यार भाई इतना ज़्यादा बढ़िया डाइनो मुझे भी नहीं पता था मैं पहली बार आया था मैंने देखा थी देखा भी था इस डाइनो को बट तभी भाई मुझे नहीं पता था ये बंदा भाई टोर पर इंक्रीज़ कर रहा होगा उसी वजह से भाई मैंने तभी इसको टेम करने का सोचा भी नहीं था बट ये टोर पर इतना ज़्यादा इंक्रीज करता है मुझे अगर पहले पता होता तो पहले ही भाई अनकॉन्शियस करके टोर पर आ, मतलब टेम कर लेता मतलब जो अपना इट्स टाइगर गेमिंग करके भाई एक बंदा है उसने भाई मुझे सजेस्ट किया था तो थैंक यू सो मच भाई सजेशन के लिए क्योंकि भाई कतई खतरनाक वाला डाइनो है भाई इसका जो ये फायर वाला डैमेज है ना उससे भी कतई खतरनाक वाला टोरबेनिक डीज होता है और एक्चुअली अपने बंदे को भूख लगने लगे वो तय यार भाई ये बंदा भाई कतई ही भाई परेशानी है भाई और ऊपर से भाई मेरे पास ओके रहा चलो भाई अच्छी चीज़ है तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं और एक्चुअली भाई इसका मिली डैमेज से ज़्यादा भाई इसका जो हेल्थ है वो इंक्रीज करते हैं और अपने पास भाई ये पहले तो खिला देते हैं क्योंकि भाई मैं इसको खोना नहीं चाहता किसी भी हालत में और एक ए भी दे देते चलो भाई अगर पहले ही पता होता ना तो भाई पहले इसको टेम कर लेता भाई मुझे पता ही नहीं था भाई ये बंदा इतना ज़्यादा खतरनाक होगा मतलब इसका भाई मैं हेल्थ भाई इतना काफ़ी होगा और बाकी भाई मैं सारा का सारा भाई मिली डे में डालने वाला वैसे भाई मिली में ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर मिली में ज़्यादा हो गया ना तो भाई मैं एक ही फटके में कोई भी बंदे को मार सकता हूँ हंड्रेड के है तो ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई अभी बोल अभी भाई कितना इंक्रीज हो रहा है अब अनको अनकॉन्शियस हो गया वो तय भाई औकात नहीं है इसकी भाई मेरे सामने खड़े रहने की अभी भाई इसका भाई मैं मिली डेमेज और भी इंक्रीज कर देता हूँ क्योंकि भाई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि भाई जो भी अपने प्राइम वाले डाइनोज है उसका भाई हेल्थ काफी ज्यादा होता है उसी वजह से एक्चुअली भाई इस पर बाइट अटैक की कोई बाइट अटैक नहीं पड़ता तो ये फायर वाला मुझे अटैक करना पड़ता है इस पर जो भाई कत्त खतरनाक लेवल का देख लो भाई ये भाग नहीं लगाओ और अनकॉन्शियस हो गया चलो भाई मैं इसको मार नहीं सकता इससे तो मुझे भाई इस पर फायर अटैक ही करना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर पे भाई फायर अटैक कत खतरनाक वाली स्पीड से कर रहा है और भाई कत खतरनाक वाला डायनो यार मुझे मज़ा आ गया इसको टेम करता है और एक्चुअली फ्लाई भी करता है देख लो वो फॉलिंग डैमेज भी पड़ता है मुझे नहीं पता था पहले पता होता था भाई फॉलिंग डैमेज ही नहीं देने देता कोई नहीं चलो भाई कत खतरनाक वाला एक्चुअली भाई मैं बोल रहा था कि भाई मुझे ड्रॉप को भाई लूटना है बट मुझे पता नहीं भाई वो किधर चला गया है ड्रॉप जब भी भाई इसको टेम कर रहा था तभी भाई मुझे दिखा रहा था बट अभी पता नहीं है भाई इसके दो ही टेक ए सी वाला है और और जो अपना राइट क्लिक है वो वाला अटैक है उससे ज़्यादा भाई कोई भी अटैक नहीं और एक्चुअली भाई मुझे स्ट्रोम आई थिंक सो हेड हेड स्ट्रोक भाई भाई म्यूजिक देख लो भाई ये आर्क का व्हाट द भाई इतना खतरनाक वाला म्यूजिक कब से बढ़ने लगा मुझे पता नहीं है एक्चुअली भाई इधर वो भी आता है ना अभी इसके नजदीक ही था मैं भी भाई ड्रॉप हो भाई सुन लो सुन लो ये म्यूजिक सुन लो यार एक बार चल निकल इधर से अबे एक तो फटके में मर गया ये बंदा कोई नहीं चलो अच्छी चीज है इसको अनकॉन्शियस कर सकता हूँ क्या है दूसरे वाला को भी अबे हो जाएगा इजीली हो जाएगा इसका टोर पर देख लेना अभी थोड़ी देर में देख लो भाई अनकॉन्शियस हो गया एक्चुअली ये वाला भी हो गया मुझे इसको अनकॉन्शियस करना नहीं था बट फिर भी हो गया बट ये भाई इसको बाइट ही नहीं कर पाता पता नहीं प्राइम वाले को मैं भी भाई कोई भी डाइन को डैमेज नहीं पड़ता मैं भी भाई ये वाला एटी की मुझे करना पड़ेगा प्राइम वाले पे ऐसा कोई सीन है तो एक्चुअली भाई इसको भी टेम करके चले क्या अगर भाई मेरे पास एक मर जाए तो भाई दूसरा वाला हो बट कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि भाई इस बंदे को मारने वाला पैदा नहीं हुआ इसका भाई मैं मिली डैमेज मींस हेल्थ दिखा देता हूँ अबे इस पे भी मिली डैमेज पड़ता है क्या और भाई इससे पहले तो लगा भाई मेरे को मिली डेमेज पड़ रहा है अभी पता लग जाएगा हेल्थ कम हो रही थी या बढ़ रही थी कुछ समझ में नहीं आया इससे पहले उसी वजह से अब एक ग्रेफिन वाला भाई ये मिला है मेरे को और इसको भी खिला देते हैं बाकी भाई मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए और ये बंदा पता नहीं भाई परेशान काय को कर रहा है मेरे को एक्चुअली भाई इस पर ज़्यादा ओके मिली डेमेज पड़ता ही नहीं है तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है एक्चुअली भाई इसकी स्पीड कत खतरनाक वाली है मैं भी भाई इस पर अटैक कर रहा था उसी वजह से पड़ रहा था क्या नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है चलो भाई ये भी मर गया अच्छी चीज है चलो भाई इधर ही अपना एपिसोड खत्म करते हैं और यह भाई खतरनाक वाला जो डाइनोज है अबे किधर गया ओके जो एक खतरनाक वाला डायनो है जो भाई कत खतरनाक वाली स्पेशल इफेक्ट के साथ पैदा हुआ है उसके लिए भाई बढ़िया सा नाम सजेस्ट कर देना और ये क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को दोनों को मार दू क्या चलो दोनों को मार देता अबे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा मेरे को इतना ज़्यादा तो दिखाई नहीं दे रहा अभी के लिए अभी भाई मैं जल्दी से भाई पानी की ओर चढ़ने लगता हूँ एक्चुअली भाई पानी में भी काफी स्पीड से भाई तैरेगा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अभी के लिए भाई क्या डाइनो है यार पानी में भी भाई कतई सराटे की तरह भाई दौड़ रहा है बंदा मतलब खतरनाक वाला डाइनो यार मजा आ गया भाई 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 इसको टेम करते एक्चुअली ओके भाई मैं भूल गया अपने पास ग्रिफिन भी भाई उसको भी लेके चलना है अपने साथ तो भाई पहले तो पानी की बाहर निकल लेते हैं पानी से थोड़ा सा और भाई डोडोरक्स नहीं डोडो रेक्स नहीं भाई दूसरी साइड से निकलते हैं अबे मर गए मर गए मर गए मर गया वो मर गया एक्चुअली वो बच गया भाई थोड़ा सा दूर निकल लेते इधर भाई कत खतरनाक वाले डाइनों भर रखे हैं उसी वजह से भाई क्या खतरनाक वाला डाइनो यार पहले कमेंट किया होता तो पहले ही टेम कर लेता इसको चलो भाई अभी भाई मुझे इसको क्रायो करना चाहिए या भाई अपने ग्रेफिंग को क्रायो करके रखना चाहिए क्योंकि भाई अब से भाई मैं इसको ही चलाने वाला हूँ कत खतरनाक वाला है ना उसी वजह से चलो भाई मैं इसका भाई लेवल अप कर लेता हूँ भाई देख लो भाई ये फिर से ओके बढ़ रहा है चलो अच्छी चीज है मुझे लगा भाई कम होने लगा उसी वजह से भाई मुझे टेंशन चढ़ रही थी कि भाई इसको चाहिए क्या मतलब टोर पर डिग्रीज टोर पर नहीं हेल्थ डिग्रीज ना हो ऐसा कोई सीन है चलो भाई इसको क्रायो कर दिया है अभी भाई मैं अपने ग्रिफिन को के चलो भाई ग्रिफिन भी आ गया है अपना अभी जल्दी से टेलीपोर्ट मारते हैं और अपने ग्रिफिन को भाई अपने बेस पे ही छोड़ के जाएंगे हमेशा हम लोग क्योंकि ये भाई भाई मुझे नज़दीक ही काफ़ी ज़्यादा डाइनो मिल जाएगा जिसको भाई मुझे टेम करना है और काफी बढ़िया डाइनो है तो भाई इससे भाई हम इजिली अनकॉन्सियस कर सकते हैं तो भाई मुझे ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि अपना जो डाइनोज है जो अपना डाइनो है डायनोज नहीं और एक्चुअली भाई एड स्टो काफी ज्यादा बढ़ चुका है अपने जो स्मिथ है उससे भाई मैं वो बना लेता हूँ जनरेटर जनरेटर नहीं चाहिए पहले तो फेब्रिकेटर चाहिए मेरे को फेब जल्दी से बन जाए यार ओके फेब बन गया चलो अच्छी चीज है भाई मैं जनरेटर बना के भाई वायर वायर लगा के अपना जो ये है ए सी एयर कंडीशनर उसको स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि भाई इधर बस वायर जोड़ने की ही देर है मे भी भाई एयर कंडीशनर स्टार्ट है क्या क्योंकि भाई ये स्टार्ट है उसी वजह से भाई मुझे लग रहा है ओके पावर्ड अप है ऑलरेडी कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है मुझे लगा था पावर्ड अप नहीं है उसी वजह से और एक्चुअली एयर स्टो कभी कम हो रहा है या बढ़ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को ओके okay, कम हो रहा है तो अच्छी चीज़ है तो अपना जो डाइनो है उसको भाई मैं बाहर निकालता हूँ ए वाला था नहीं ए वाला नहीं था अभी स्पाइनो को भाई अंदर रखते थे भाई इससे बढ़िया वाला डाइनो भाई मुझे किधर भी नहीं मिल सकता तो भाई थैंक्स ओलॉट फिर से भाई क्योंकि भाई इतना बढ़िया डाइनो भाई सजेस्ट करने के लिए जो टाइगर गेमिंग है उसको थैंक यू सो मच भाई अभी भाई इसको बाहर निकालते हैं और इसको भाई मैं बढ़िया वाला आर्मर और सब के दे दूंगा क्योंकि भाई मैं इसको बिना फालतू का भाई लूज नहीं करना चाहता उसी वजह से अपने जो ग्रिफिन है उसमें से आर्मर निकाल के इसमें डांस पर कर देते हैं क्योंकि भाई ये 600 का इसको अभी कुछ काम नहीं है क्योंकि भाई मैं भाई इतना का इसको जो स्नेक है उसको ग्रीन बिग स्नेक उसको लेके जाएंगे एक्चुअली भाई इसमें ऐसा ही लिखा आ रहा है वरना भाई इसका नाम कुछ और है। okay, मुझे लगा भाई ये मुझे फॉलो कर रहा है उसी वजह से भाई मैंने इतना ज्यादा सोचा बट एक ऐसा कोई सीन नहीं है अभी भाई इधर ही अपना एपिसोड खत्म करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना एंड इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना अभी हम है मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर